एफ बी आर की तरफ से हर एक शख्स को मेल की जा रही है कि आप 30 सितंबर से पहले पहले फ़ाइलर हों अदरवाइज़ हम आपका टैक्स डबल कर देंगे सिम्स ब्लॉक कर देंगे और इवन आपने देखा कि सिम्स ब्लॉक हो रही हैं और बड़ी स्पीड के साथ बड़ी तेज़ी के साथ सिम्स को ब्लॉक किया जा रहा है अब जिनकी सिम्स ब्लॉक की जा रही हैं वो तब तक सिम नहीं एक्टिवेट कर सकते जब तक वो फाइलर नहीं होंगे यानी कि सिम को एक्टिवेट करवाने के लिए आपको फाइलर होना पड़ेगा और जो लोग फाइलर नहीं हैं वो नहीं नई सिम खिलवाएंगे तो वो सिम खुलेगी नहीं क्यों क्योंकि वो फाइलर नहीं है अब सिम बी बंद हो गई नई सिम बी नहीं, नहीं खुलवा सकते क्यों क्योंकि फाइलर नहीं है अब एक बात तो जान लीजिए कि आपको फाइलर होना तो पड़ेगा ये बात तो आप अपने माइंड में रखें अब करना है तो करना क्या ये एक मेन प्रॉब्लम है कि अब करें तो करें क्या दोस्तों हमारी आवाम डरती है फाइलर होने से कि फाइलर होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा हालांकि ऐसा नहीं है फाइलर होने के फ़ायदे ही हैं नुकसान नहीं है फायदे हैं अब फायदे कौन कौन से हैं आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आपका टैक्स कम कटेगा आप ऑनलाइन शॉपिंग की अपने क्रेडिट कार्ड से अगर आप फाइलर हैं तो टैक्स कम कटेगा फाइलर नहीं है तो टैक्स ज़्यादा कटेगा आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं और अगर आप फाइलर हैं तो आपका टैक्स कम कटेगा और अगर आप फाइलर नहीं है तो टैक्स ज़्यादा कटेगा सिमिलरली अगर आप कह लें कि कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं रजिस्ट्री बनवानी है दस लाख की बन रही है फाइलर है तो दो लाख की बनेगी अगर आप फाइलर नहीं है तो दस लाख ही बनेगी इतना ज़्यादा डिफरेंस है अब लोग समझते हैं कि हम फाइलर हो जाएंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा सुनिए के डिफरेंस क्या है फाइलर होने का मतलब क्या है फाइलर होने का मतलब यह है कि आपने अपने तमाम असाजात डिक्लेयर करने हैं आपने अपने तमाम असाजात जो कि आपके पास एक घर है एक गाड़ी है एक कह लें कि वो बैंक बैलेंस है वो अपना सारा डिक्लेयर करना है अब सर मेरा घर है वो दस मरल का है क्या उस पर टैक्स पड़ेगा क्या सर मेरा तो ये भी शॉप है टैक्स पड़ेगा ऐसा नहीं है आपके पास जो भी एसेट है आप डिक्लेयर करें यानी कि सरकार को बताएंगे सरकार मेरे पास सरकार में हुकूमत हुकूमत मेरे पास ये भी है मेरे पास ये भी है डिक्लेयर कर दें अगर आप आपकी इनकम बैंक की, की छः लाख से ऊपर है तो आप टैक्सी कैटेगरी में आते हैं तो अदरवाइज़ आप टैक्सी कैटेगरी में नहीं आएंगे उससे ऊपर अगर आप अगर आपकी जो है ना वो बैंक बैलेंस है छः लाख से ऊपर चला जाता है या जिनकी इनकम छः लाख से ऊपर है तो उनको सर आगे टैक्स पड़ेगा और ये भी मैं बता दूँ दिस इज़ एन आर्ट अगर आप अच्छा वकील करते हैं ना तो आप समझिए कि आपका वो टैक्स भी बच सकता है दिस इज़ एन आर्ट और ये वकील ही जानते हैं तो मैं ये समझता हूँ फ़ाइलर हो जाना चाहिए बा देखिए लोग यूँ होते हैं कि फाइलर हो जाते हैं उनको टैक्स नहीं पड़ रहा होता मिसाल लेते हैं एक स्टूडेंट है एक स्टूडेंट फाइलर हो गया अब उसको साल के एंड पे फाइन कोई भी जो है ना वो फ़ाइन नहीं पड़ा फाइन कह रहा हूँ कोई टैक्स नहीं पड़ रहा क्यों क्योंकि उसके नाम पर कुछ है भी तो उसका बैंक बैलेंस की उसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो टैक्स अदा करे उसकी यानी कि उसने डिक्लेयर की हुई हैं चीज़ें सारी उसको टैक्स जीरो की रिटर्न फाइल हो रही है एक घर में हाउस वाइफ है वो भी फाइलर हुई है टैक्स नहीं पड़ रहा और बाज काट जो है ना वो टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है देखिए मेन चीज़ होती है चीज़ों को डिक्लेयर करना मेरे पास लगा लेंगे इस टाइम एक सारे लेकर ये ऑफिस है मैं कहता हूँ हुकूमत को मेरा फला जगह के ऑफिस है क्या टैक्स पर जगह ऐसा नहीं है बस बताना है उनको डिक्लेयर करना है सर अपनी चीज़ों अपने तमाम तर एसट्स अपने तमाम तर कह लें कि वो जो आपके असासा साथ हैं उनको डिक्लेयर करना दिस इज़ कॉल्ड फाइलर क्या आप फाइलर बन गए हैं अब उस फाइलर उनके अपने ऊपर आपने, आपने टैक्स पे करना होता है बड़े स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं हज़ार रुपया टैक्स जो है ना वो पे करता हूँ वो स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाते हैं सर फाइलर कर दे फाइलर कर देते हैं उनका मंथली साल के बाद एक हज़ार वो दे देते हैं और एक हज़ार रुपये देने से वो कितना फ़ायदा उनको हासिल होता है वो जहाँ पे शॉपिंग करते हैं उनको वहाँ से फ़ायदा होता है जो भी करते हैं उनको फ़ायदा होता है यानी कि आप फाइल मैं स्टूडेंट्स को खास तौर पर कहूँगा कि आप फाइलर हो जाएं नुकसान नहीं है फ़ायदे ही हैं और जो हाउस वाइफ हैं जो बिज़नेस मैन हैं जो जॉब होल्डर हैं और इवन सैलरी जो लेता है ना उसको तो फाइलर ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि जब उसको सैलरी मिलती है पीछे से कट के मिलती है वो वहाँ से क्लेम कर सकता है कि सर मैंने वो फ्लान जगह पर टैक्स कटा था ठीक है अब जो फाइलर नहीं है ना उनका टैक्स ज़्यादा करता है जब सैलरी में से जो टैक्स डिटक्ट होता है ना तो उनका ज़्यादा कटता है तो सैलरी जो लेते हैं उनको तो पहले आदमी हाथ होना चाहिए हर बंदे को फाइल होना चाहिए ये नहीं है कि मेरे पास सर इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है टैक्स पड़ जाएगा ऐसा नहीं है ये किसी ने गलत गाइड किया आपको आपने सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी होती हैं उसके बाद सारी जो है ना वो एक अपना कैलकुलेशन होती है उसके बाद एक टैक्स अमाउंट बनती है क्या बनती भी है कि नहीं ज़रूरी नहीं है कि आपने चीज़ें डिक्लेयर की हैं और टैक्स बनेगा ही बनेगा ऐसा नहीं होता डिक्लेयर करना और है टैक्स बन जाना वो एक अलग चीज़ है ऐसा नहीं होता लिहाजा ख़ुद को डिक्लेर करें एक टैक्स पेड या एक फ़ाइलर एक डिक्लेयर्ड सिटीज़न बने पाकिस्तान का ठीक है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है अगर आप फाइलर होना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में, में मेरा दिया गया नंबर है जीरो थ्री वन टू डबल एट नाइन वन टू डबल एट आप रबा कर सकते हैं आब्दरह को दीजिए यादत वमाल मुबीन, थैंक यू